हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों की इस चैनल पर रहमत है, तभी तो मुझे कुछ नया करने की हिम्मत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों को आसानी से याद करने वाली ट्रिक के बारे में, जो कि एक गीत एक कविता के माध्यम से है। ये एक ऐसी ट्रिक है, ये एक ऐसी कविता है जिससे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा अम्ल कौन सा एसिड किस चीज़ में पाया जाता है। दोस्तों, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है ट्रिक, क्या है कविता। तो दोस्तों, हमारी कविता है, सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब के ढेर पे बैठा मालिक जो, अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब, खट्टे फल अब हटो साइड पर, दूध दही तुम पियो लेट कर, घास के पत्ते में बेंजोइक, सोडा वाटर है कार्बनिक, तो बिच्छू चीटी में है फार्मिक, मूत्र में होता यूरिक का मरहम, याद रखना ये तुम हरदम। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी कविता है। दोस्तों, अब हम इस ट्रिक का विश्लेषण करेंगे, इस कविता का मतलब समझेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक का विश्लेषण करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस प्रकार ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इस कविता का मतलब क्या है, ट्रिक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी पंक्ति है कविता की, ट्रिक की, सिर पर एसिड डाल गया वो, तो इसका मतलब है सिर, तो सिर से है यहाँ पे सिरका, और सिरका में कौन सा एसिड होता है, सिर पर एसिड डाल गया वो, तो इसमें होता है एसिटिक एसिड, एसिड मतलब सिर पर, तो एसिटिक एसिड है इसमें। उसके बाद में जो हमारी दूसरी पंक्ति है, सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो, तो इसमें है सेब का मतलब है सेब, और सेब में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है, तो शेर के ढेर पे बैठा मालिक जो, तो मालिक से हम यहाँ पे समझेंगे मौलिक एसिड, तो सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में जो हमारी तीसरी पंक्ति है, अंगूर टरटराता रह गया अब, तो अंगूर से है यहाँ पे अंगूर, तो अंगूर में कौन सा एसिड होता है, टरटराता से हम समझेंगे टार्टेरिक एसिड, अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और जो चौथी हमारी पंक्ति है, इमली संग वो मिल गया जब, अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब, यानी कि अंगूर और इमली साथ ही में मिल गए, तो इसका मतलब है कि अंगूर में टार्टेरिक एसिड होता है, तो इमली में भी टार्टेरिक एसिड होता है। अंगूर टरटराता रह गया अब, इमली संग वो मिल गया जब, मतलब ये आपस में एक दूसरे के घुल मिल गए, तो दोनों में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद में जो हमारी इसके नेक्स्ट जो हमारी पोएम की हमारी कविता की लाइन है, खट्टे फल अब हटो साइड पर, तो इसका मतलब है कि जो भी खट्टे फल होते हैं, कोई भी हो खट्टे फल, तो हटो साइड पर, तो उसमें होता है साइट्रिक एसिड, साइड पर मतलब साइट्रिक एसिड। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो इसके बाद में जो कविता की पंक्ति है, छठवीं पंक्ति, दूध दही तुम पियो लेट कर, तो इसका मतलब है दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दूध दही तुम पियो लेट कर, तो लेट कर से हम समझेंगे लैक्टिक एसिड, तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में जो हमारी पंक्ति है वो है, घास के पत्ते में बेंजोइक, तो इसका मतलब कि घास के जो पत्ते होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो उसके बाद की जो पंक्ति है, सोडा वाटर है कार्बनिक, तो इसका मतलब है कि सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल यानी कार्बनिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद की जो पंक्ति है, तो बिच्छू चीटी में है फार्मिक, तो इस पंक्ति का मतलब है बिच्छू और चीटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है, बिच्छू और चीटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में जो हमारी दसवीं लाइन है, दसवीं पंक्ति है, मूत्र में होता यूरिक का मरहम, तो मूत्र में कौन सा एसिड होता है, वो होता है यूरिक एसिड, और याद रखना ये तुम हरदम। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक थी, ये हमारी कविता थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों की भी केयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे चोट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।